क्लास एट अपन ने कल शुरू किया था वर्ग। वर्ग याद करना, वर्ग में क्या बताया मैंने आपको, जो संख्या दी हो उसको वापस उसी से गुणा करते हैं, जो संख्या दी हुई हो उसको वापस उसी से गुणा करते हैं वो वर्ग होता है। इसे पहला प्रश्न दिया है 86, 86 का वर्ग करना है। कैसे करोगे? 86 80 प्लस 6, कैसा आया? 80 प्लस 6 का वर्ग। 86 कैसा आया? 80 प्लस 6 का वर्ग, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें a का मान क्या आएगा? a का मान 80 आएगा। b का मान क्या आएगा? b का मान 6 आएगा। a का मान 80 आएगा, b का मान 6 आएगा। a स्क्वायर करना है, a का मान क्या रखना है? 80। का स्क्वायर 2 इंटू ए का मान क्या रखना है? 80। बी का मान क्या रखना है? 6। बी स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करना है। 80 का स्क्वायर करना है, 80 को 80 से गुणा करना है, कितना आ गया? 6400। कितना आ गया? 6400। 8 का 200 हो गया, 1 0 का 2 0 हो गया। अब इनकी गुणा करनी है, 2 को 8 से और 16 से, 8 × 16 को फिर से उसको चिक छिन्न में 960 प्लस 6 का स्क्वायर कर लो, कितना आ गया? 36। अब इनको जोड़ लेते हैं, 6 × 6 = 6 × 3 = 9 × 4 = 13 × 6 = 7, कितना आया? 7300। ये क्या आ गया? 86 का वर्ग। अब करना है 93 का वर्ग। 93 का वर्ग करना कैसे करोगे? 90 प्लस 3 का स्क्वायर, 90 प्लस 3 का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का मान 90 और बी का मान 3, ए का मान 90 बी का मान 3, ए स्क्वायर नब्बे का स्क्वायर, 2 × a का मान 90 बी का मान 3, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ए का मान 90, 2 × a का मान 90 बी का मान 3, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 9 × 18 = 54, 540 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो जोड़ लो इनको, 9, 4, 6, 8 8649, क्या आ गया? 8649 आ गया। तीसरा सवाल है 71 का वर्ग करना है। 71 कैसे आएगा? 70 + 1 का स्क्वायर, कैसे आएगा? 70 + 1 का स्क्वायर। 70 + 1 का स्क्वायर कैसे करोगे? 70 + 1 का कैसे करोगे स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या करोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का मान 70 हो गया, बी का मान a हो गया, ए का मान 70 हो गया, बी का मान 1 हो गया,
ए स्क्वायर 70 का स्क्वायर, ए का मान 70, बी का मान 1, बी स्क्वायर ए का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर कर लो, 70 बड़ा करेंगे 60 का स्क्वायर 49 हो गया, 70 दूनी 140 एक का स्क्वायर 1 हो गया। अब जोड़ लो, 1 का 1 4 का 4 9 और 1 10 4 1 5, क्या उत्तर आ गया 5040, क्या उत्तर आ गया 5040 आ गया। अगला है 46 का स्क्वायर, 46 का वर्ग करना, क्या करना है 46 का वर्ग, 46 कैसे आया 40 प्लस 6 का वर्ग, 40 किस आया 40 प्लस 6 का वर्ग, 40 प्लस 6 का स्क्वायर करना है कैसे करोगे, वो सेम तरीका है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a का मान 40 और b का मान 6, a का मान 40 b का मान 6, तो a स्क्वायर करना है, a का मान कितना है 40, 40 का स्क्वायर, 2 इंटू a का मान क्या रखना है 40 इंटू b का मान क्या रखना है 6, बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर करना है कितना हो गया 4 चौक 16 चार गुनी 8 5 50 480 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और जोड़ लो इनको 6 8 3 11 4 6 का 6 8 3 11 4 1 5 6 5 11 1 2 2116, ठीक है। 6 का 6 आ गया, 8 3 11 असल पर 1 6 4 10 11 1 2 2116। अब किसी भी संख्या का वर्ग अगर ज्ञात करना है इस तरीके से करोगे उत्तर आपका एकदम सही आएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।